हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको फोर्टेक्स ब्लाउज का कटिंग बताने वाली हूँ। इसका फिटिंग कटोरी जैसा ही बैठता है। आजकल कटोरी और प्रिंसेस कट से भी ज़्यादा इस टाइप का ब्लाउज बनता है। ये आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन इसका फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेंथ लिए हमने 14.5 और इसकी घड़ी है 11 की, क्योंकि चेस्ट 38 है और कमर 32 है। हम स्क्वायर बना लेंगे। इसका बंद गला होगा, इसलिए मैंने इसका शोल्डर लिया है 7.75 इंच और मुंडा लिया है मैंने 7.5। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया और अंदर मैंने 0.75 लिया है। ये अंदर का आर्म होल का शेप दे रही हूँ मैं। गले की विड्थ मैंने 3.25 ली है और शोल्डर डाउन मैंने 1/2 इंच ही किया है और आगे का गला 6 इंच। आगे का गला राउंड ही होगा इसका। ये योग पट्टी का मार्किंग कर रही हूँ मैं 2.5 इंच पर। ये गले की तरफ हम 0.75 ऊपर आएंगे और साइड में 1.5 इंच हम आएंगे और इसको ऐसा कर्व शेप देंगे। अभी हम इसको काटेंगे। इसमें फ्रंट कपड़े पे थोड़ा बढ़ता है, इसलिए मैं इसे पेपर पे काट रही हूँ। अभी बैक हम अस्तर पे निकालेंगे। अभी मैं आगे का कटिंग बताती हूँ आपको। योग पट्टी मैंने निकाल दी साइड में, आगे का आर्म होल का शेप भी दे दिया और आगे का गला भी काट लिया। अभी हम इसे अस्तर पे काटेंगे। यहाँ 1.5 इंच आगे मैंने मार्किंग किया है और क्रॉस लाइन मारी है। और यहाँ से नीचे मैं 1 इंच ले रही हूँ हर जगह लंबाई। वहाँ 1.5 इंच बढ़ाया था मैंने आगे। अभी हम इसको काटेंगे। ये फोर्टेक्स का कटिंग कटोरी जैसा ही बैठता है फिटिंग। अभी हम इसके टक्स मारेंगे। ये बस्ट पॉइंट ले रही हूँ मैं 10.5 पे और हुक लूप पट्टी की तरफ से हमें लेना है 4 इंची और सीधी लाइन मारेंगे और इस तरफ 1 इंच और उस तरफ 1 इंच। ये हमारा मेन टक्स हो गया। अभी यहाँ से 1.5 इंच लिया क्रॉस मैंने हुक लूप पट्टी की तरफ और वहाँ सीधा लाइन मारेंगे। ये हमारा दूसरा टक्स। फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया और हल्का क्रॉस मारेंगे ये लाइन। फिर यहाँ से भी हमने 1.5 इंच लिया और आर्म होल की तरफ सीधी लाइन मारी। ये 4 टक्स हमारे हो गए। योग पट्टी निकाल रही हूँ मैं। ये साइड हुक लूप पट्टी की तरफ की है और ये साइड फिटिंग की तरफ की है। अभी हम मेन कपड़ा काटेंगे।
बाहर ही काट रही हूँ मैं। ये कपड़े में से हमने जैकेट भी निकाला है, उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए ये कपड़ा कम बचा है, तो अभी फ्रंट में जॉइंट आने वाले हैं। ये फ्रंट की तरफ मैंने जॉइंट का पोर्शन दिया है। योक पट्टी भी हम एक एक करके निकाल रहे हैं। अभी हम टक्स मारेंगे, मेन कपड़ा सर को जोड़ लिया मैंने, अभी हम टक्स मारेंगे। साइड के टक्स में हल्का हल्का पकड़ना है मार्जिन। आर्म होल वाले टक्स में 1/2 इंच मार्जिन पकड़ना है। इस टाइप का 4 टक्स कटोरी से भी अच्छा बैठता है फिटिंग इसका। देखिए इसका कप पूरा डीप हो गया। अभी हम इसको योग पट्टी लगाएंगे, ब्रॉड वाली साइड फिटिंग की तरफ और पतली वाली साइड क्लूप पट्टी की तरफ। ये योग पट्टी लगा ली हमने, अब ऐसा दिखेगा ब्लाउज। ये 4 टक्स ब्लाउज रेडी हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। थैंक यू।